क्या बिहार में बीजेपी नेतृत्व विहीन है? क्या बीजेपी कोटे के मंत्री भ्रष्ट है? क्या बीजेपी में जातिवाद व्यवस्था है? ये वो सवाल है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू ने उठाया है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी अब बैकफुट पर है। बीजेपी ज्ञानू के ज्ञान का संदर्भ ढूंढ रही है, मायने मतलब निकाल रही है। संगठन में कुछ नहीं, संजय जायसवाल जी हैं, कुछ नहीं, उनका भी कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है अपने संगठन पर। जिनका बैकग्राउंड क्राइम जगत का बैकग्राउंड है, बहुत लोग का व्यापार बिजनेस व्यापार का बैकग्राउंड है। ज्ञानू के ज्ञान से बीजेपी को लगा झटका। बयान के संदर्भ निकालने में जुटी बीजेपी, बयान के बहाने विपक्ष का एनडीए पर वार। बड़ी मुश्किल हो जाती है किसी के लिए भी जब अपने ही उन पर हमला करते हैं। बीजेपी के साथ वही हालात है, अपने ही विधायक ने बिहार बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और सरकार में पार्टी कोटे के मंत्रियों को भ्रष्ट बताया है। किसके बदौलत लीड करेंगे, कौन लीड करेगा? लीड करेंगे जो अब कोई नेता रहे तब ना, तो नेता विहीन है। लीड करेंगे तो और बर्बाद हो जाए। कहे ना कि नीतीश जी का कोई बीजेपी अपोजिशन बीजेपी में कहीं में कोई अल्टरनेटिव नहीं। संगठन में कुछ नहीं, संजय जायसवाल जी हैं, कुछ नहीं, उनका भी कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है अपने संगठन पर। कोई राजनीतिक से नहीं, बहुत लोग जुड़े हुए आए हैं जिनका बैकग्राउंड क्राइम जगत का बैकग्राउंड है। पदाधिकारी बहुत सारे मंत्री रोते रहते हैं, इनके पदाधिकारी बात नहीं सुनते हैं। अभी देखे जीवेश मिश्रा सिपाही से लड़ रहे हैं कि हम सरकार हैं तुम सिपाही हो। हम मंत्री बात करेगा सिपाही से ये करेगा। ज्ञानू ने बिहार बीजेपी पर जमकर हमला बोला, लेकिन नीतीश के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। कहिए कि नीतीश पर भरोसा जताया है और ऐसी ही स्थिति में बीजेपी करे तो क्या करे? एक ही रास्ता बचता है, बयान का मतलब निकाला जाए, संदर्भ खंगाला जाए। उन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस प्रकार किसी के बारे में बात कहना उचित भी नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानता, इसलिए इस पर मुकम्मल रूप से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो अपने बारे में जानता हूं, मैं किसी को, मैं सभी को भ्रष्ट नहीं कह सकता। जो ज्ञानू जी जानते हैं वो हम लोग नहीं जानते हैं, वही बता सकते हैं। भ्रष्टाचारियों के जमात का लिस्ट वही रखते हैं और अच्छे लोगों का लिस्ट वही रखते हैं। मुझे तो यह पता है नहीं कि कौन भ्रष्टाचारी है भाजपा का और कौन अच्छा है। बीजेपी भले संदर्भ निकालने में जुटी हो, लेकिन ज्ञानू के बयान से मौका विपक्ष को मिला और इसी बहाने बीजेपी समेत सरकार को घेर लिया। बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने का जो ये ज्ञान है, ये उनको अब आ गया है कि जो हम लोग लगातार कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, लगातार बयान दे दे के अपने ही पार्टी के विफलताओं को उजागर किया है। वो इतना बताने को पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी में और बिहार की एनडीए सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। यह विपक्ष का आरोप होता था कि सरकार के मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने पार्टी पर हमला किया हो। पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं किया है। अब तो सीधे सीधे बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल बीजेपी पर तो उठेंगे ही, सरकार भी घिरेगी और विपक्ष यही कर रहा है। पटना से आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। देश में